नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि मौसम अभी परिवर्तन हो रहा है, हम ठंडी से अब निजात पा रहे हैं और गर्मी की ओर मूव कर रहे हैं। जो हमारा ये लास्ट फरवरी अभी चल रहा है, तो आप मार्च से हमारा जो गर्मी है वो आधे मार्च से पूरे रेशियो में आ जाएगा मौसम के अनुसार। तो अब देखने वाली बात है कि जो हमारा मीटर खोलने का प्रक्रिया है, उसमें भी हमें मौसम के अनुसार कुछ तब्दीली करना पड़ता है। तो चलिए, हम आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि इसमें हम खास तौर से क्या तब्दीली करेंगे कि जो हमारा मीटर है बिल्कुल परफेक्ट ढंग से खुल जाए और हमें कोई खास मेहनत न करना पड़े। तो दोस्तों देखिए, ये आपका सेंसलाइजर हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सेंसलाइजर है। सेंसलाइजर में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि आप 50 ग्राम पानी में या 50 ml पानी में आप इसे घोल दीजिएगा। एक बोतल ले लीजिएगा और उसमें घोल दीजिएगा और उसका ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि नुकीलादार होना चाहिए, जिसमें हम बूंद के आकार में फिर उसको हम गिरा लें। ठीक है, तो आप लोग 50 ग्राम पानी ले लीजिएगा एक बोतल में। इसको थोड़ा इसमें सख्त कहीं कहीं जो है रोड़ा हो जाता है, तो आप इसको पहले ही बंद पैकेट में ही आप इसको किसी सख्त चीज से इसको थोड़ा कुटाई कर दीजिएगा ताकि ये महीन हो जाए। महीन होने के बाद आप बोतल में इसे पानी भरकर और बोतल में इसे सही ढंग से घोल दीजिएगा। घोलने के बाद आपको सोना कोट, आप एक ग्लास में सोना कोट निकालिएगा और सोना कोट निकालने के बाद एक फ्रेम के फ्रेम पे आपका जितना सोना कोट आ जाए उतना निकाल लीजिएगा। अगर बच भी जाता है तो आप सोना कोट के डब्बे में भी डाल सकते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपका डब्बे के सोना कोट में। तो आप ग्लास में निकालकर और 15 बूंद, अभी आज के डेट में जब गर्मी शुरू हो रहा है, जब अप्रैल मई आएगा, उसमें आपको और भी सेंसलाइजर की जो मात्रा है उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के डेट में अभी 15 बूंद डालिएगा। हम वैसे पहले आप लोगों को 20-25 बूंद, ठंडी के मौसम में इतना सेंसलाइजर चलता है 20 बूंद, लेकिन अब आपको जो है वो सेंसलाइजर का जो मात्रा है उसे घटाना होगा। ठीक है, आप घटाकर और इसको 15 बूंद आप सेंसलाइजर को डालेंगे ग्लास में, जिस ग्लास में आप सोना कोट लिए रहेंगे, और फिर उसको सही ढंग से मिक्स कीजिएगा। ठीक है, किसी कलम लकड़ी या जो भी आपके पास मिक्स करने वाला सामान हो लकड़े की तरह, उसको सही ढंग से मिक्स कीजिएगा। सही ढंग से अगर मिक्स नहीं करेंगे तो क्या करें होगा कि कहीं कहीं पे जब आप कोटिंग करेंगे तो वहां पे जहां पे सेंसलाइजर मिक्स नहीं हुआ होगा वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, वो आपका मीटर छूट जाएगा। तो इसलिए आप लोग सही ढंग से उसको मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप सही ढंग से कोटिंग कीजिएगा। कोटिंग जैसा कि हम आज 2-4-10 रोज पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोटिंग आप लोग किस तरह से करेंगे। कोटिंग ज्यादा आपका मोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग फ्रेम पे उतना ही गिराइएगा। अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा कोटिंग इस पे गिर गया है, सोना कोट गिर गया है, तो फिर आप उसे स्केल से ही उठा लेंगे तो ये सही रहेगा। ऐसा नहीं कि उस पे लिपते रहेंगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है, जितना में आपका हो जाता है उसके बाद से उसे स्केल के द्वारा ही आप उसे उठा लेंगे तो ये सही रहेगा। अब चलिए, मान लीजिए कि आप कोटिंग तैयार कर लिए, 15 बूंद उसमें सेंसलाइजर डाल दिए और आप सोना कोट ग्लास में निकाल लिए फ्रेम के इतना। अब उसे टाइमिंग आपको कितना देना है, तो देखिए टाइमिंग आप उसे अभी के मौसम में जब धूप सही से निकल रहा है तो 20 से 25 सेकंड अगर आप धूप पे दिखाते हैं टाइमिंग, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका मीटर खुल जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक दो बार प्रॉब्लम होता है तो आप उसे अपने ढंग से भी सुधार सकते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए कि 20-25 सेकंड दिखाने के बावजूद भी आपका मीटर धुल जाता है, पूरा धुल जाता है, तो आप 10 सेकंड बढ़ा दीजिए। अगर थोड़ा कहीं कहीं पे धुलता है तो आप 5 सेकंड बढ़ा सकते हैं। अगर इतने के बावजूद भी मान लीजिए कि आपका मीटर हार्ड हो जा रहा है तो आप 5-7 सेकंड टाइमिंग को कम कर लीजिए। टाइमिंग जब कम कर लेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा।
ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और जो फ्रेम है आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसमें साफ कीजिएगा। कई बार ऐसा भी कमेंट में आता है कि कहीं कहीं पे उसमें निशान रहता है, देखिए जो पहले का मेटर है उसका निशान कहीं कहीं पे रह जाता है, उसको एक दो बार धोया जाता है तब जाकर जो निशान है वो मिट जाता है। तो निशान जब उसमें रहेगा, हालांकि उसमें कलर नहीं रहना चाहिए, निशान केवल रहेगा तो आपके मेटर खुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हालांकि उसमें कलर नहीं रहना चाहिए। आप कलर को दोनों साइड से जब उसे धोएंगे, आप फ्रेम को कहीं पे टिका दीजिएगा और दोनों साइड से जब आप धोएंगे नाइट्रो और साबुन के साथ, तो बिल्कुल सही तरीके से धुल जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और धोने में आप लोग नाइट्रो का ही यूज कीजिएगा, नाइट्रो बेहतर है धोने के लिए और मिक्स करने के लिए भी। जो रिड्यूसर हमारा आता है वो केवल मिक्स करने में ही कारगर होता है, उसको धोने में उतना फ्रेश तरीके से नहीं धुल पाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी कमेंट में आता है कि रिड्यूसर से सही से नहीं धुलता है, तो रिड्यूसर से सही से बिल्कुल नहीं धुलता है, ये बात परफेक्ट है। वो मिक्स करने के काम में ज्यादा बेहतर होता है, न कि धोने के, फ्रेम के धोने के काम में। अगर आप नाइट्रो लेते हैं तो आपको धोने का भी काम हो जाएगा और कलर में मिक्स करने का भी काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी मैं आप लोगों को गर्मी के मौसम के लिए जो मैं आइडिया आप लोगों को मेटर खोलने के लिए दे रहा हूं, जैसा कि 15 बूंद आप लोग सनसलाइजर मिक्स कीजिएगा एक ग्लास में कोटिंग के इतना, एक फ्रेम पे कोटिंग के इतना आप लोग सोना कोट निकाल लीजिएगा और फिर 15 बूंद उसमें जो है सनसलाइजर मिक्स कर दीजिएगा और उसको सही से मिक्स करके और कोटिंग करके आप 20 से 25 सेकेंड मान के चलिए, 25 सेकेंड में वो बिल्कुल परफेक्ट खुल जाएगा, जैसा कि हमारा खुल जाता है। लेकिन तो आप 20 से 25 सेकंड के अंतराल में आप टाइमिंग देखते रहिएगा, अगर इतना टाइमिंग हो जाता है तो आप लाइएगा और उसे धोइएगा। कुछ थोड़ा मोड़ा अगर हार्ड हो जा रहा है, ठीक है, तो आप उसे फ्रेम पे रगड़ कर भी, हल्का सा रगड़ कर भी छुड़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है, एक ग्लास आप पानी ले लीजिएगा एक मोटर के दाने के बराबर, अगर हार्ड हो जाता है तो एक मोटर के दाने के बराबर आप थोड़ा डिकोटर पानी में मिक्स कर दीजिएगा और उसको जो है फ्रेम में डालकर, ठीक है, और उसको थोड़ा मोड़ा हिलाइएगा, आपका मेटर बिल्कुल परफेक्ट खुल जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हार्ड हो जाता है तो, अगर मान लीजिए कि धुल जाता है तो थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ इस तरह से भी, और एक उपाय भी बता रहा हूँ। अगर एक दो बार में नहीं खुले तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो ब्रह्मा जी का लेख नहीं है, उसके इधर उधर भी आप कर सकते हैं। टाइमिंग जो है सनसलाइजर का भी मात्रा आप लोग 1-2-4 बूंद इधर उधर कर सकते हैं, 2-4 सेकंड टाइमिंग भी इधर उधर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि टाइमिंग कहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप लोग खोलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खुल जाएगा आपका मेटर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मेटर, गर्मी का मेटर खोलने के बारे में जो भी है मैं उसे आप लोगों को सही तरीके से साझा कर चुका हूं। अब आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस प्रॉब्लम को अति शीघ्र उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाए तो उस पर हम आप लोगों को वीडियो में जरूर उस कमेंट को हम शामिल करेंगे और उसके हिसाब से हम वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।